हाँ भाई, मोरेलिटी जी, स्वागत है आपका। हाय 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 टू ऑल पैनलिस्ट। मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। हाँ, मेरा सवाल ये था कि मतलब जैसा मॉरलिटी मतलब गुड और बैड का है, तो ये व्हाट इज गुड, मतलब गुड गुड ये डिफाइन कौन करेगा, और ये उसकी व्हाट आर द एलिमेंट्स फॉर दैट गुड और व्हाट इज बैड। जी गालिब सर, गालिब आप भाई आंसर करें। यार, गुड और बैड जो है ना, वो कुछ बेसिक लॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं जो डिसाइड करते हैं। अगर मैं और आप इक्वल हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, तो गुड और बैड की डिसाइड यहाँ से होना शुरू हो जाता है कि मैं कोई ऐसी चीज़ आपके साथ नहीं कर सकता जो कि इक्वालिटी के रूल के खिलाफ हो। ठीक है, कि अगर और नहीं, तो जो ये कि ओके सॉरी मिनट, तो इक्वेटी का रूल मतलब कौन डिफाइन करेगा? इक्वालिटी का रूल जो है सोसाइटी डिसाइड करेगी। जब वो डिसाइड कर लेती है कि सब लोग इक्वल हैं, तो बस फिर इक्वालिटी का रूल डिसाइड हो जाता है। इसमें क्या बुरा है? नहीं मतलब कैसे कि मतलब ये सोसाइटी कॉमन सेंस मतलब भी डिसाइड कर सकता है ना भाई, इक्वालिटी का नहीं, रूल। आप और मैं इक्वल हैं, है ना, हाँ इसको डिसाइड तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना। लेकिन जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में कॉमन जाते सेंस हैं। भी कोई चीज होती है ना। हाँ राइट राइट, कॉमन सेंस मतलब अपने जो स्कूल्स और कॉलेज हम लोग जाते हैं, तो वहाँ नेचुरली सब कॉमन सेंस तो मतलब बाय डिफॉल्ट आता रहेगा, मतलब अच्छा अगर एक आप कहीं बात बता, स्टूडेंट। आप और मैं इक्वल हैं कि नहीं, हाँ ये बात आपने कैसे डिसाइड करी? इक्वल कॉमन सेंस से करी इक्वल, ना। हाँ अभी इसके अंदर भी तो पैरामीटर है बस इक्वल इन खत्म। व्हाट सेंस। अरे भाई, आप और मैं, जो राइट्स आपके पास है वही राइट्स मेरे पास हैं, राइट इक्वालिटी है इस मामले में। हाँ, ये बात आपने कैसे डिसाइड करी? कॉमन सेंस से करी ना, तो हो राइट गई खत्म बात। नहीं तो कॉमन वही सेंस गालिब मतलब भाई कैसे कि आपको बोल मतलब रहे हैं, गालिब भाई आप कर रही है बात फिर। भाई, जब इक्वालिटी आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि सोसाइटी का हर मेंबर इक्वल है, उस सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, कोई किसी, और इक्वालिटी सिर्फ ये डिसाइड नहीं करती कि सब लोग इक्वल हैं, अब इनको लड़ने के लिए तैयार कर दो आपस में। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता कि 2 साल के बच्चे के साथ आप 50 साल के आदमी को या 30 साल के आदमी को भिड़ा दें। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता। इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि कमजोर को भी आपने जो है वो ताकतवर के इक्वल करना होता है। अगर वो फिजिकली कमजोर भी है, तो तब भी उसे आपने राइट्स ऐसे देने हैं कि वो ताकतवर के जितना ही एम्पावर्ड हो जाए। ठीक है, तो ये मॉडर्न सोसाइटी जो है अब इक्वालिटी को ऐसे डिफाइन करती है। वैसे नहीं करती कि हाँ जी एक औरत को और आदमी से लड़ा दें, अब कहेंगे जैसे बहुत सारे राइट विंगर या बहुत सारे जो इस तरह के मजहबी किस्म के लोग होते हैं, वो ये कहते हैं अच्छा जी अब औरत मर्द के बराबर है, तो चलो जी अब औरत को ऐसा करते हैं कि वो जी हमें 100 किलो का वजन उठा के दिखाए। ठीक है, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर को कहें अब तू ताकतवर वाली चीजें हमें करके दिखा। इक्वालिटी का मतलब ये है कि कमजोर जहां पे भी ताकतवर के मुकाबले में कमजोर है, वहां उसे एम्पावर करके उसे उसके बराबर बनाया जाए। हाँ असल मतलब में भाई ये, इक्वालिटी ये है। अच्छा, अब अगली हाँ बात ये है कि जब इक्वालिटी डिसाइड हो जाती है कि इस तरह से ह्यूमन बींग्स आपस में बराबर हैं, तो फिर गुड और ईवल भी डिसाइड हो जाता है कि किसी कमजोर को कमजोर बनाना, मजीद उसको एक्सप्लॉयट करना, उसके राइट्स उससे छीनना, उसकी प्रॉपर्टी उससे छीन लेना, उसको उसको फिजिकल इमोशनल या इसके साथ साथ उसकी उसकी जो एक्स उसको फिजिकल या इमोशनल हार्म पहुंचाना, उसकी प्रॉपर्टी को या उसकी जो एक उसका एक फ्रीडम है उसको भी नुकसान पहुंचाना जो है वो भी एक क्राइम बन जाता है। तो जब अरे ये सारी बातें हम डिसाइड कर लेते हैं, तो इसके बाद जितने भी आज की दुनिया में हम क्राइम्स लॉ के मुताबिक डिसाइड करते हैं, वो सब के सब हमें इन चीजों की लाइट में ही क्राइम नजर आ जाते हैं, जब आप या इक्वालिटी की बेसिस से शुरू करते हैं। अगली इसमें मतलब एट द एंड ऑफ द सेंस मतलब ये सारे डिफाइन, जैसे अमित भाई ने कहा कि कॉमन सेंस के ऊपर आती है, मतलब सारा डेफिनेशन का सेंटर पॉइंट कॉमन सेंस है। तो कॉमन सेंस आज के कॉमन सेंस है, तो ये कॉमन सेंस का क्या डेफिनेशन है, क्या मतलब कौन डिसाइड यार करेगा आपका व्हाट इज कॉमन ब्रेन सेंस। उसको डिफाइन नहीं कर पाता, आप ह्यूमन ब्रेन को इतना मजाक समझे हो। नहीं स्कूल में अगर अगर हम जाते हो तो बच्चे नहीं, अभी स्कूल छोड़ो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप और मैं इक्वल हैं, आपने खुद ही कहा, मैंने आपको बोला इसका बेसिस कहाँ पे है? कॉमन सेंस पे है। हाँ लेकिन मैं अगर मैं इसमें आप जैसे ही आए, टेक्नोलॉजी मैंने मैंने अगर नहीं, आपको बोला कि आप मेरे से तमीज से बात करोगे, मैं आपसे तमीज से बात नहीं करूंगा, ठीक है, तो ये बात गलत है ना। ये बात कह और जब मैं ये कह रहा हूं कि ये बात गलत है, तो ये डिफाइन कैसे हो रही कॉमन सेंस से भाई? हाँ तो हर मतलब ये इंसान इक्वल ही है ना।
हाँ तो इसका मतलब ये तो इंडिविजुअल के ऊपर राइट, वो कॉमन सेंस को कौन से एंगल से देखता है। अच्छा, शायद कॉमन शायद सेंस आप को मुझे देखने के गाली, भी एंगल होते हैं क्या? हाँ आप मुझे गाली दो लेकिन मैं आपको गाली नहीं दूंगा, ये मेरी सोच है। अगर मैंने आपको गाली दिया इसका मतलब मैंने आपको इक्वल नहीं समझा, खत्म नहीं, बात। हाँ तो लेकिन उसके अनदर वे से, मतलब मैंने कॉमन आपको सेंस से कुछ, मेरे को आपको इक्वल समझना चाहिए, मैं आपको ये बोल रहा हूं। अगर मैंने आपको गाली दिया मैंने आपको इक्वल नहीं समझा। ओके लेकिन असल में जैसा जो अमित ने बात अरे कही थी ना उसका मतलब ये था कि रूट मोरालिटी की कॉमन सेंस से निकल आती है। अब अगली बात यह है कि मैं आपको मिलने के लिए बुलाऊं और आपको मैं कहूं कि मेरे पाँव में बैठो और मेरे पाँव दबाओ, तो अभी तो मेरा आपको नेक्स्ट सवाल कैसा ये है कि लगेगा? ये कॉमन सेंस कहाँ सिखाया एक मिनट जाता है। चंदा चंदा, पहले जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दें कि अगर मैं आपको बुलाऊं मिलने के लिए और मैं आपको कहूं कि मेरे पाँव में बैठो क्योंकि तुम मुझसे नीचे हो, तो आपको कैसा लगेगा? मैं सोच, बताइए, मतलब मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आप इसे क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? वो मेरी डिग्निटी डिग्निटी को मतलब सूट नहीं करता, आपकी डिग्निटी को क्यों नहीं सूट करता? मुझे रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है। आपको रिस्पेक्ट, आपको कैसे पता लगा कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही? कैसे का मतलब, भैया आप सोचे ना, आप जरा, आपको हाँ ये मतलब, कैसे पता लगा कि मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं? हाँ मतलब मुझे मतलब महसूस हुआ कि मतलब मेरी मतलब मुझे राइट्स जो मुझे होनी चाहिए जैसे अब मैं आपको इक्वालिटी बताऊं कि मेरे कॉमन हिसाब से। सेंस क्या होती है। अब मैं आपको बताऊं कॉमन सेंस क्या होती है। कॉमन सेंस ऐसी होती है कि इंसान खुद भी ये नहीं, उसको उसको बस पता चल जाता है कि ये चीज गलत है, मगर अगर उसे कहा जाए ना कि इसे डिफाइन करो तो उसे डिफाइन नहीं होता, जैसे आपसे नहीं हो रहा। ओके ठीक है, लेकिन इसका मतलब है इसमें कि आपके मतलब, अंदर कॉमन सेंस है। ठीक है, हाँ जो ये बात आपको सेंस करवा रही है कि हाँ जी मेरी इंसल्ट हाँ हो गई। तो क्या सेंस मुझे करा हो रही है, ये तो मेरा मेरा भी बेसिक सवाल है। हाँ ना, तो कॉमन सेंस एक इतनी कॉमन चीज है कि अगर एक कॉमन मैन से कहा जाए कि इसे डिफाइन करो तो उस बेचारे को डिफिकल्ट हो जाता है, वो नहीं डिफाइन कर सकता, तो क्या इसको मगर उसके मतलब मैं अंदर ऐसा, होती है, वो उसके ओके अंदर इसको, होती ओके है। इसको मैं ऐसा समझ लूँ कि हम दोनों के बीच में जो कॉमन चीजें जिसको मतलब हम इक्वालिटी के एंगल से देखे थे उसको मैं कॉमन ये सेंस समझूँ। कॉमन जो है ना, ये दो लोगों के दरमियान वाला कॉमन नहीं है, ये आम वाला कॉमन है। हाँ ये तो आम बहुत ही मतलब, ज्यादा जो चीज हर जो आम पाई जाती है, जैसे मिट्टी जमीन पे हर जगह पाई जाती है, तो वो इन मिट्टी बहुत जनरल, कॉमन है। हाँ जी, ओके तो ये ये वो वाला इस, कॉमन है। तो ये जब स्कूल में अगर फॉर एग्जांपल कोई ग्रेजुएट होता है या कोई बीए ग्रेजुएशन करता है किसी भी, तो ये कहाँ सिखा जा, ये कहाँ सिखा जा सकता है या जाता है कॉमन सेंस, क्या ये नेचुरली आदमी इनबिल्ट लेके आता है। कॉमन सेंस इंसान के अंदर इनबिल्ट होती है ना। आपको किस स्कूल में सिखाया गया था कि अगर आपको कोई नीचे बिठाएगा तो गलत होगा? कौन सा चैप्टर था, किस बुक में लिखा था, बताएं जरा। भाई ओके मतलब इसका इनबिल्ट है, मतलब ये अगर 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 हमारे कॉमन सेंस तो तो इनबिल्ट ही होती है ना, इसीलिए सब इंसानों में कॉमन है ना वो। अगर इतने सारे डिस्क्रिमिनेशन चल रहे हैं तो ये इनबिल्ट कॉमन सेंस ट्रिगर क्यों नहीं करता है। करता है ट्रिगर, मगर मसला यह है कि फिर आप तो अपना फिर धर्म वहां पे इतना उठा के, आप अगर, अपना धर्म वाला टोकरा उठा के वहां पे आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा धर्म जो है हाँ तो वो, उसको वहाँ मानो, वही कॉमन मैं, सेंस को छोड़ दो। हाँ गली भाई मेरा वही क्वेश्चन है कि मतलब अगर कॉमन सेंस अगर इनबिल्ट है हर एक इंसान के अंदर इनबिल्ट है, तो अगर कोई डिस्कशन होता है रिलीजन के ऊपर या कास्ट के ऊपर तो वो कॉमन सेंस ट्रिगर क्यों नहीं करती और यार उसकी आप वजह ना क्या बड़ी है। सिंपल यार सी आपने बात नहीं जवाब भी दे समझ दिया रहे हो बात का। यार आप ना। हाँ, एक बड़ी सिंपल सी बात नहीं समझ। कॉमन सेंस क्या होती है मैं आपको बताऊं, सुनिए। क्या आप आ, 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 आपके घर में कोई पेट है, कुत्ता है? नहीं है, अच्छा, मतलब आ, 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 कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आप जा रहे होगे तो आपको कहीं कोई वो दिखा होगा, कुत्ता हुआ होगा ना, कुत्ते हाँ से खड़े होकर बात किए हो, हाँ सॉरी क्या, कुत्ते से खड़े होके बातचीत किए हो, लव रिलेशनशिप वगैरह उससे डिस्कस कभी किए हो? बात मतलब आप मतलब थ्रू वर्ड्स बोल रहे क्या, और मतलब भाई लैंग्वेज क्या में। हाल चाल है, कहाँ जा रहा है, पूछे हो कभी कुत्ते से खड़े हो के आज तक? हाँ जॉली वे से पूछा हूँ मैं, जॉली वे से पूछो, उसने जवाब भी दे दिया आपको? भोग दिया और क्या। नहीं, अरे मैं पूछ नहीं, सीरियसली, हंसने की बात नहीं, सीरियसली पूछ रहा हूं। तो जब जब नहीं राह में चलते कुत्ते से बात आप जो नहीं करते हो ना, वही आपकी कॉमन सेंस है, आपको पता है।
ठीक है, कई चीजें आपको पता होती हैं कि हमको ये नहीं करना है। आप जिस स्कूल की पढ़ाई की बात कर रहे हो ना, इसी कॉमन सेंस को शेप अप करने के लिए की जाती है एजुकेशन। अब आपने टॉपिक कहीं और ले गए, ठीक है। आप ये कह रहे हो कि अगर लोगों का समाज में इतना ज्यादा लोगों पे जुल्म हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा है, तो वो है पावर डायनामिक्स। आप वहां लेके चले गए हो ना। अब आप मेरे को ये बताओ भाई, आप रिलीजन को मानते हो कि नहीं मानते हो, ये मेरे को आप पहले बताओ। नहीं, लेकिन उससे ना, नहीं, अब, नहीं 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 अब नहीं नहीं सुनो ना सर, नहीं 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 मैं आ रहा हूँ, आपकी फील्ड में आ गए ना। नहीं नहीं सुनिए, नहीं 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 है, नहीं है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं आपके। मैं आपको जानना चाहता हूँ कि आप रिलीजन को मानते हो कि नहीं मानते हो, मोरलिटी आप कहाँ से ड्रॉ कर रहे हो, अब आप हमको बैठ के समझाओगे। हमने तो यहाँ पे 5 घंटा अभी बैठ के यही काम किया, बताइए आप मानते हैं अपने रिलीजन को। मेरे हिसाब से मैं, मतलब मुझे कोई रिलीजन का मतलब समझा ही नहीं अभी तक, तो मैं क्या मानूं। आपका जन्म किस रिलीजन में हुआ है भाई, आपके घर वाले कौन से रिलीजन को मानते हैं? कोई मतलब मेरे घर में तो ऐसा रिलीजन का मतलब कोई मतलब। अरे यार सीधा से डायरेक्ट जवाब दो, इधर उधर नहीं घूमेंगे सर, डायरेक्ट एकदम 1-to-1 बात करेंगे। अब मम्मी पापा की शादी किसने कराई, देखो अगर आप मतलब मुझे पूछ रहे हो जैसे यार मम्मी पापा की शादी किसने कराई थी बताओ यार, मौलवी बुलाया था। नहीं नहीं बाबा, अरे बाबा आप मतलब रिलीजन रिलीजन मौलवी बुलाया था। अरे भाई हिंदू हो क्या, आप हिंदू बात है? हां नहीं हो आप हिंदू? नहीं। मुस्लिम हो? नहीं। अरे आप यार सुनो ना सीधा सीधा बताओ, है करने के लिए नहीं भाई, रात में है नहीं किया जाता, 1 बज रहे ना, आपके फादर कौन से रिलीजन के बताओ ना, सीधा बताओ। सवाल पूछा उसका मैंने आंसर दिया कि मेरा ऐसा कोई रिलीजन ही नहीं है। नहीं वो तो आप करोगे ना, जनमेंटल जिमनास्टिक आप करोगे ना यार। अब आप जनमेंटल जिमनास्टिक की कर दी है। सबसे गजब की बात ये है, मोरालिटी आप नाम लिख के आए हो ताकि आपका नाम ना पता चले, ताकि ये बात आप ना कर सको। आपके अंदर में मॉरल वैल्यूज इतनी नहीं है, आप इतने घबरा रहे हो। अरे यू आर नहीं नहीं आप इतने ज्यादा स्केयर्ड हो ना, आप अपना ये नहीं बता पा रहे हो भाई कि आपका जन्म किस रिलीजन में हुआ है, ये बता दो। हाँ लेकिन रिलीजन का मतलब मैंने बोला है ना कि समझा है, तो मैं क्या। अरे भाई हिंदू घर में हुआ है, मुसलमान घर में हुआ है, क्रिश्चियन घर में हुआ है, किसमें हुआ है? मैंने नहीं बोला ना आंसर, इतना क्लियरली कहा है। आप इंसान हो कि मार्शियन वार्शियन हो भाई? क्या हुआ, आप इंसान हो, होमोसेपियन सेपियन हो कि मार्शियन हो? अभी आपसे बात कर रहे तो कॉमन सेंस वाली बात है, आपका ही मतलब डेफिनेशन नहीं। मैं जानना आप नहीं नहीं आप बोल रहे हो कि मेरा हुआ ही नहीं है किसी इसमें, कॉमन सेंस आप ही के पास में नहीं दिख रहा है मेरे को तो। नहीं नहीं देखो देखो मैं किसी को ये बता दो, टुनी हो कि नहीं हो यार? टुनी का डेफिनेशन क्या है? भगवान का डेफिनेशन सकते हो? मैं अगर सीधा आपको बोलता हूँ मैं रिलीजियस को सब ये नहीं करता, तो टुने कहाँ से आ गए भैया? आप जानबूझ के जो बात कर रहे हो ना, हमें भी आपका टुने साफ नजर आ रहा है। सीधा बताओ यार, अरे अरे हिम्मत से बात करो ना यार, हिम्मत लाओ थोड़ा सी। नहीं नहीं मेरा थोड़ी सी हिम्मत लाओ अपने अंदर, ये जो मोरालिटी जो है, कोशिश करो सर, कोशिश करो, बताइए किस किस रिलीजन में आपका जन्म हुआ। अभी आएगी हिम्मत, आप देखिए ना, चलते हैं आगे आगे धीरे धीरे। अरे अमित भाई आप मतलब अननेसेसरी मतलब मुझे क्या बोलते उसको, मतलब फोर्स कर रहे हो, मतलब जो मैं आंसर दे चुका हूं यार, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं यार। अभी आपने इतनी हमसे बातें पूछी, क्या हमने कुछ भी आपको कैसी एक भी बात मैंने से करी, मैं नहीं बताऊंगा। बातें पूछने जाए मेरा राइट है, मैं पूछा, अगर आप बोलते नहीं पूछो तो नहीं पूछूंगा। आपको यार ये बोलने में शर्म आ रही है कि आपका किस रिलीजन में जन्म हुआ है? मोरालिटी की बात आप करोगे? हाँ मैंने आपको मतलब मोरालिटी नाम आप क्यों रखे हो? नहीं मोरालिटी के तो शेमलेसनेस है भाई। नहीं 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 देखो देखो ना ना ये शेमलेसनेस है, मेंटल जिमनास्टिक जो करता है वो शेमलेस आदमी होता है। आपको एक बात बता दूं, आपके ना सारे जितने लक्षण है ना वो यही बता रहे हैं कि आप टुन्नी ही हो, एक गजब वाले टुन्नी है। ये मोरालिटी को ना मैं कॉमन सेंस से निकालूं कि हमको जो पढ़ाया जाता है शोषण से निकालूं, ये है हिंदू भाई हमारे, समझे? और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अरे छोड़ दो, आपने जब बोला इतने सारे लोगों का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, तो मैं समझ गया कहाँ से। हिपोक्रेसी ना करो भैया यहाँ पे, हिपोक्रेसी ना करो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ये प्रेडिक्शन यार ऐसा ही है, ऐसा ही है भैया। आपको आपको जो हम साइंटिफिक या एवोल्यूशनरी बेसिस ऑफ मोरालिटी समझा रहे थे, आपको अंदर से
चुभन उसकी जलन बहुत ज्यादा हो रही थी, उसको आपकी आवाज से पता लग रहा था, ठीक है, इसलिए हमें पता है ना कि आप टुन्नी ही हैं यार, लग ही रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसे मैंने अच्छा, मम्मी पापा की शादी किसने कराई थी, पंडित बुलाया था, मुल्ला बुलाया था, बताओ जरा। मैंने इसका आंसर बहुत बार ले चुका हूँ। हाँ तो दो ना, अभी दोबारा दो ना, बताया मैंने आपको, मुझे तो नहीं दिया। नहीं नहीं, पंडित बुलाया था ना, पंडित ही आया था ना, ब्राह्मण पंडित ही आया था ब्राह्मणों की शादी करने, और कौन आया था? अरे हीरा वाला मोहम्मद वाले हो क्या भाई, जिसकी किताब पीछे से जिब्रील पढ़ा था, वो वाले हो क्या आप? नहीं नहीं, ये वो नहीं है, नहीं हिंदू है, हिंदू ही है भाई, ये हिंदू है। हाँ हाँ, ये भी मैं बता दूं आजाद, ये जब ये बोले ना कि जब इतने सारे लोगों का कॉमन सेंस काम कर रहा था तो जब उनके ऊपर अत्याचार हो रहा तो बोले क्यों नहीं, ये कहाँ से आ रहे, वो जो एंगल आप समझ गए ना पंडित जी, यार जय भीम सर। हाँ रॉक्सी सर, जय भीम रॉक्सी भाई, हाँ जी जय भीम सर। मॉरालिटी जी, आप डिफरेंस कॉमन सेंस और मुझे बोलने का वक्त अगर जरूर देंगे सर, जरूर देंगे सर। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? अरे भाई मॉरालिटी सर, एक मिनट रुक जाओ, रॉक्सी सर को बोलने दो सर। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कॉमन सेंस एंड लर्नड बिहेवियर सर? कॉमन सेंस जैसे मैंने मतलब अभी अमित जी से मैंने डिस्कस किया था, वो तो मतलब हम दो इंडिविजुअल के बीच में जो मुझे जो राइट लगता है। अब मैंने सवाल किया कि लर्नड बिहेवियर और कॉमन सेंस में सर आपको डिफरेंस पता है क्या होता है? आप ही बता दीजिए। अरे सर आपको नहीं पता क्या लर्न मतलब? जो जैसे स्कूल में हम लोग जाते हैं, समथिंग न्यू बिहेवियर, दैट इज लर्नड। लर्नड बिहेवियर कैन बी गुड और कैन बी बैड आल्सो, यस है ना, राइट? तो आप कॉमन सेंस और लर्नड बिहेवियर को कंफ्यूज कर रहे हैं भाई साहब। या तो आप देखें, या तो आप मजा लेने आए यहाँ पे, ठीक है, विच इज रियली सैड। अगर आप अरे सर नहीं है ना सर परसेप्शन। अरे सर ये बताने आए हैं, मैं आपको बता देता हूँ जी जी, जी भाई ब्राह्मण शोषक नहीं है। हाँ नहीं नहीं, वो मैं समझता हूँ सर, ये यही बताने के लिए आए हैं। मैं ये अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये जब वहां से आए ना, वो यार आपको ना सूंघ के पहचान जाऊं मैं आप लोग, पता है? ऐसे मेरे कौन अरे अरे मोरालिटी प्यारा भैया, मेरा गुड्डा बना दूंगा यहीं पे भाई मैं। आप लोग को ना बस मैं आपकी आवाज सुनता हूँ, आपकी आवाज की खनक से पहचान जाता हूँ, पता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो यार? ऐसे आप मुर्गा बनाने वाले हो, सही बात है। अमित तिवारी आपको कह रहा गुड्डा बनाएगा, बना उसने आपको मुर्गा देना इधर, ठीक है? लेकिन मेरे ऐसा कौन सा स्टेटमेंट था जिसके वजह से आपको लग रहा है मतलब मैं कुछ और हो सकता हूं? आपने खुद ही कह दिया ना। अरे यार क्यों? अच्छा चलो मेरे को ये बात बताओ, इस देश में ब्राह्मणों ने एक बड़ी जो आबादी है देश की, उसके ऊपर अत्याचार किया है कि नहीं किया है? गलत है, नहीं गलत किया है कि नहीं किया है? हाँ किया है। वो कैसे? अच्छा आरक्षण जो मिलता है वो सही है कि गलत है? कौन सा आरक्षण? कोई भी आरक्षण जो इस देश में मिलता है सही है कि गलत है? दलितों को आरक्षण? अरे एजुकेशन मतलब आपको नहीं पता यार? मंदिर वाला आरक्षण सही है कि गलत है? मंदिर वाला निकल गया इसका, बामन देव था बाहर देखे। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, मंदिर वाला आरक्षण किसको मिला है? ब्राह्मणों को, बामनों को मिला है? गलत है वो, गलत है। अच्छा वो गलत है? अरे भाई दलितों को जो आरक्षण मिलता है वो सही है कि गलत है? दलित कौन होते हैं? ये देख रहे हो इसको यार? आई नो सर, नहीं यार अपने पूरे मोरल को यार मतलब इतना तो बताया ना न्यूटन सर, मैं इन लोगों की आवाज जब सुनता हूँ ना, ठीक है, गौर से इनकी आवाज की खनक बता देती है कि ये कौन सा यंत्र को बजा रहे हैं। मोरालिटी यू सच ए कावर्ड, एक्चुअली यू आर सच ए कावर्ड दैट यू कैन नॉट इवन टॉक प्रॉपर्ली। आप इतने बड़े कायर हैं, ठीक है ना? आप देखें, नहीं नहीं सुने मेरी बात भाई साहब, सुन ले। आपसे जब ये पूछा गया अभी आप किस परिवार में पैदा हुए, आपसे इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आप उस पर बात कर सके, क्योंकि फिर आपको पता लग जाता, फिर हम आपसे वैसे सवाल करते। अब क्या है ना, आप सर, अरे सर सर देखिए, अरे भाई साहब बात तो सुन लीजिए, भाई साहब बात तो सुन लीजिए थोड़ा सा। देखिए कॉमन सेंस में हर चीज कॉमन सेंस कहते हैं, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, ठीक है ना? तो जो आप यहाँ पे जो हमें दिखा रहे हैं ना सर, वो
वो आप चालाकी कर नहीं पाएंगे यहाँ पे। मैंने आपको कहा ना कि जो लर्नड बिहेवियर है और कॉमन सेंस में आपकी जो कंफ्यूजन है, या वो कंफ्यूजन नहीं है, वो सर आप जानबूझ के वहां पे हमें लाने की कोशिश, और हम सर आएंगे नहीं वहां पे, ठीक है ना। आप अपना अपना पर्दा जितना मर्जी गहरा रख लें सर, आप यू बीन एक्सपोज्ड। जब आप कहते हैं ना दलित कौन है, अगर आप इंडिया में रहते हैं और आपको ये नहीं पता दलित कौन है, तो आप सर झूठ बोलते हैं। आप अपना ब्राह्मणत्व बचा रहे हैं ना सर, जैसे एक मिनट मोरलिटी, अब आप चुप रहिए, मैं बोल रहा हूँ, प्लीज बीच में मत बोलिएगा। अब जैसे कोई हमारे भाई, एक मिनट प्लीज बीच में नहीं बोलना, रुक जाइए प्लीज, कंक्लूड कर रहे हैं हम, निकलेंगे इसके बाद में, सुनते जाइए। आपने जो बातें करनी थी आपने कर ली। अब इन्होंने ये बोला भाई कि ऐसा क्यों हुआ कि जब इतने सारे जो लोग हैं उनके अंदर में कॉमन सेंस है, तो जब इतना अत्याचार हो रहा था तो लोगों ने रोका क्यों नहीं। देखिए यहीं पे रिलीजन प्ले करता है ना, ठीक है। अगर आप चॉम्स्की का नाम अगर आपने सुना होगा, तो चॉम्स्की एक ऐसी सोच की लाइन से आता है जो एक्चुअली में ये कहती, उसकी बल्कि किताब भी है कि कंसेंट को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है ना। ग्रैम्सी ने जो है इस पे पूरा का पूरा काम किया है। रिलीजन दरअसल कुछ सेट ऑफ पीपल्स को ये समझाने में हमेशा कामयाब होता है, उनके अंदर में डर बिठा के कि जो तुम्हारे ऊपर इतना जुल्म हो रहा है ये दरअसल तुम्हारा फेट है, यही तुम्हारी डेस्टिनी है। इससे ज्यादा इमोरल काम रिलीजन और कोई नहीं करता, ठीक है। तो ये बात को आप समझ लो, रिलीजन इंसान के अंदर में इस बात को बिठाता है ले जाके, समझे, कंसेंट को उनके अंदर में बिठाया जाता है अलग अलग मींस के जरिए, ठीक। अब आप बस मेरे को आखिरी का, अब हम कॉन्क्लूड, ये देखो ये मैंने भी आपको एक अच्छा डीप आंसर जो आप चाह रहे थे मैंने दे दिया। अब सीधा सीधा बता दो भाई, रिजर्वेशन जो मिल रहा है वो सही मिल रहा है कि गलत मिल रहा है, पंडित जी सीधा बताओ यार, खत्म करो कहानी। पहली बात तो दलित का डेफिनेशन डिप्रेशन ऑपरेस क्लास से, मैं गलत हो क्या सही हो, ये कहां पहुंच गए, सीधा बोलो ना यार। देखो अमित जी, अगर मुझे वक्त मिलेगा तो मैं अपनी एससीएसटी को जो आरक्षण मिल रहा है सही मिल रहा है गलत मिल रहा है, चलो ये पूछा, अब बोलो। मैंने उसका आंसर दे दूंगा। एससीएसटी को जो रिजर्वेशन मिल रहा है सही गलत है, सही है। अच्छा, इससे ज्यादा मिलना चाहिए कि नहीं, इससे ज्यादा मिलना चाहिए कि नहीं। मैंने आपका जवाब दे दिया, आप मेरे पास पूछ सकते हैं अभी, इससे ज्यादा मिलना चाहिए कि नहीं। जितनी संख्या रही उतनी मिलनी चाहिए, तो नहीं मिल रहा ना संख्या के हिसाब से, संख्या के हिसाब से नहीं मिल रहा। 85% है सर, बाकी पलट मारे यार पंडित जी, 85% है सर। बात नहीं, आप मतलब आप मुझे राइट नहीं दे रहे बात करने की। आप मेरे से बचने के लिए मेरी बातों से एग्री हो, ये जरूरी नहीं है भाई, मेरी बातों से एग्री हो कि आप मेरे से नहीं बच पाओगे। आप सीधा बताओ किस रिलीजन में जन्म हुआ, वहां से हम बात को आगे लेके चलते हैं। जहां तक मुझे पता है दलित कैन बी ब्राह्मण आल्सो। Oh, really? How come? दलित कैन बी ब्राह्मण आल्सो। अगर उसके ऊपर कोई ऑपरेशन होता है। Oh my God, कैसे? घंटोली इंसान है। ये बहुत महान व्यक्ति आ गया लगता है। नया फिलोसफर हमारे बीच में पैदा हुआ है। ये रियल ब्राह्मण है। अरे यार, मैं आपकी प्रेजेंस में ग्रैम्सी और चॉम्स्की का नाम ले लिया यार। माफ कर देना भाई, चॉम्स्की तो जिंदा है, ग्रैम्सी मर गया यार। माफ कर देना भाई। दलित ब्राह्मण हो गया है, कोई सबूत है आपके पास? आजाद आप नहीं थे तो ये भाई बोले हैं, दलित जो ब्राह्मण है ना वो भी दलित, ठीक है, वो नहीं, भी दलित बन गया। मुझे इतना बताओ कि दलित का डेफिनेशन क्या, डिप्रेशन ऑपरेस क्लास, राइट? ये इनकी अकल है यार, आपके अंदर तो कॉमन सेंस नहीं है भाई। आप सही में कुत्ता से बात करते हो, राह चलते कहां से पड़ा आपका डेफिनेशन, आपने मन से बना लिया। आप बताओ डेफिनेशन नहीं, आपने डेफिनेशन सुने मॉरलिटी जी, आप ये बताएं आपने डेफिनेशन अभी जो गढ़ी है ये आपने कहीं से पढ़ा है या अभी आपने इम्प्रॉम्प्टो बना लिया? नहीं, ये तो मतलब आप खुद ही देख लिया दलित के क्या कहीं से पढ़ा है या आपने बना लिया है, ये बताए ना। एक स्पेसिफिक कास्ट के लिए नहीं। अच्छा, हाँ, तो मतलब आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है। सुने मोरलिटी जी, जब आपने पढ़ा नहीं है, आपको पता नहीं है, तो क्यों यहाँ पर गपोड़बाजी कर रहे हैं?
मतलब मैं पहली बार सुन रहा हूं भाई कि इस देश में ब्राह्मणों को ऑप्रेस किया जा रहा है यार, गजब। तो ये भी पूछिए कि ब्राह्मण कैसे ऑप्रेस क्लास है, थोड़ा पूछ लीजिए इनसे कैसे है भाई। वैसे हां यार ये बता दो, मॉरल टीचर, मॉरल टीचर सर अब आप बात कर लो। हाँ हाँ, वो इनका क्वेश्चन ही सर कुछ बेतुकी बातें कर रहे हैं, मतलब वो ये देखिए मैं आपको आपको पता नहीं है डेफिनेशन क्या है। न्यूटन जी, अब मैं आपको डेफिनेशन दिखानी पड़ेगी ना इनको, रुके रुके इनको इनको ये तो बताएं। ये नहीं नहीं, इनको पहले मैं दलित से डेफिनेशन दिखाऊंगा क्या होती है, इनको पता नहीं है। बड़े दुख की बात है, यहाँ पर ये बता रहे हैं और ये खुद नहीं पढ़ के आते हैं। एक मिनट, कहाँ से शेयर होता है ये? वैसे ये तो इंतहाई बेशर्मी और बेगारती की बात है, मेरा इंटरनेट हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में रहते हैं और इनको पता नहीं है कि दलित क्या है, ये तो बेशर्मी है। पढ़ लीजिए ना लिखा है, कहा जा सकता है इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। इन द ट्रेडिशनल इंडियन कास्ट सिस्टम ए पर्सन हु बिलोंग्स टू द वन ऑफ द लोएस्ट कास्टेस आउटसाइड द फोर मेन कास्ट इन वर्णा सिस्टम ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट। कहां लिखा है भाई ऑपरेशन क्लास की बातें यहां पर? इसमें ब्राह्मण कैसे आया, पूछो इनसे। अच्छा दूसरी बात, न्यूटन जी मतलब किसका बेवकूफ बनाते हैं क्या हम, बड़ा समझते हैं ये क्या बोले कि मतलब दलित ब्राह्मण बन, ब्राह्मण दलित होता है बोल दिए, ब्राह्मण दलित होता है। हाँ अच्छा, ब्राह्मण का भाई दम इस देश में अत्याचार हो रहा है भाई ब्राह्मणों के ऊपर। कल तक बामन देवता 1.25 किलो लड्डू खाता था, वो 1.25 किलो हो गया है भाई। हाँ भाई सही बात है, सही बड़ा अत्याचार है। ये देखो घी के जगह तेल कर रहे हैं आजकल, ब्राह्मण दलित होता है। ये देखो ब्राह्मण दलित होता है लेकिन फिर भी ब्राह्मण रो रहा है, देखो ना। अगर ब्राह्मण दलित होता है फिर ब्राह्मण ब्राह्मण को ही मंदिर में नहीं घुसने दे रहा, मतलब देखो ये देखो विलेजर थ्रेटन टू सेल्फ इमोलेट Over Dalit entering Tamil Nadu temple. क्या यार, देखे सर इतना मत दमन करें सर ब्राह्मणों पे सर, देखो देखे सर कितनी बड़ी बात है सर, वो सर और देखो अपने आप ये देखो सर सेल्फ इमोलेट की बात, 48 इंच की कमर हुआ करती थी रॉक्सी सर, 47 इंच हो गई ब्राह्मणों की, एक इंच कमर कम हो गई रॉक्सी सर। और वो भी देखिए ये खबर ज्यादा पुरानी नहीं है, 19 मई की है ना, ये देखिएगा, ये देखिए। अरे सर एक और देखिए ना, और दूसरी बात देखिए सर, ये क्या कर रहे हैं, एज द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ट्राइड टू फैसिफाई द एग्रीटेटिंग हिंदूज, 3 विलेजर्स पोर्ड केरोसिन ऑन देमसेल्फ, थ्रेटन टू सेल्फ इमोलेट बट वर ओवरपावर्ड बाय पुलिस। देखिए ये खुद को मारने के लिए चले थे केरोसिन, अरे और सर देखिए ये किस पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, देखो सर A few days ago, during temple festival, a group of Dalit villagers attempt to enter the temple but were stopped by the Hindu villagers leading to clashes with the police. अरे यार अब्बा, ये देखो temple में घुसने के लिए पड़ेंगे तुम्हें, तो तुम जो इतना छूत हो गए इनके, और ये कितना झूठा मक्कार व्यक्ति है, ये कितना झूठा है, भगवान को छूत लग गया, इसे पूछो मंदिर को छूत लग गया, मेरा नेटवर्क का थोड़ा इशू था, इसे पूछिए मतलब शंकर जी का इतना पवित्र लिंग जो आड़ी की गुदा में घुसा था उसको दलित छूने की कोशिश किया यार, बताओ हाँ, उसको सिर्फ ब्राह्मण छू के चाटेगा बस, कोई और नहीं। अभी सर एक और भी तो देखिए ना, लेटेस्ट एंट्री में 3 मुसलमान ब्राह्मण बने हैं, अपना समीर बनया है, फिर वो एक त्यागी क्या नाम था उसका, वसीम रिज भी बना है, और एक को तो पंडित बन गया महेंद्र पाल आ रहे है। कोई सर एक आध दलित को भी बना दो ब्राह्मण, ब्राह्मण तो दलित बन ही रहे हैं, कोई एक दलित भी देख लो सर, कोई ब्राह्मण ब्राह्मण बन जाए उसको भी पंडित पंडित कहना शुरू कर दें, मुसलमानों को तो भाई साहब आजकल वो सिद्धार्थ चतुर्वेदी जब बात करता है तो लोग उसको कहते हैं पंडित जी इसके बारे में बताइए, पंडित बन गया भाई वो, बताओ यार उस वो घंटोल को उसका गोत्र नहीं पता है और वो पंडित बन गया, पंडित जी कहते हैं उसको, पता है आपको इतना जुलम हो रहा है सर ब्राह्मणों पे। चलो भाई आजाद इनको, रफा दफा करो भाई, 1:30 बज गया रात भाई, आप अगली बार आइए ना, भाई कुत्ता से बात करो जाओ उससे, अपनी कम करके आना अपने अपना, नहीं नहीं ये दलित का डेफिनेशन है भाई, बी आर अम्बेडकर का वॉल्यूम्स में आपको मिल जाएगा, रिप्रेजेंट नौकरी का, इट कैन बी एनी कास्ट, ये देखो भाई वेरी गुड, जाओ भाई चलो निकलो भाई, जाओ कुत्ता से बात करो, आंख में सबसे बड़ी लाइफ लाइफ लेसंस लो, जाओ एग्जांपल दे दिया ना आपको, कितना से बात करते हो ना कैजुअली, जाओ लाइफ लेसंस लो।